हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ यार बागेश्वर में, एंड मैं कल शाम को पहुँचा था यहाँ पे। शाम भी क्या, रात हो गई थी, रात के 7:30 बजे मैं बागेश्वर पहुँचा हूँ। और अभी ना मैं पूरा बागेश्वर विजिट करने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं पहली बार बागेश्वर आ रहा हूँ। और मेरे साथ हिमांशु भाई हैं, एंड हिमांशु भाई को तो बचपन यहीं गुजरा है, तो उनको तो यहाँ के बारे में सारा पता है, तो वही मुझे विजिट करवा रहे हैं। एंड सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं बागेश्वर का प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर। और जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे ना, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में था बागनाथ मंदिर। एंड अभी हमें इस पुल से होके जाके नदी पार करके फिर सामने बागनाथ मंदिर है। तो यार गाइस, अभी हम लोग हैं सरयू नदी में, तो भाई यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। भाई सरयू ने देखा ना, बहुत ठंडा पानी है, अभी मैं डुबकी लगा के आया ना भाई, इतना ठंडा पानी हो रहा है। भाई अभी हम लोग ना नहा के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, और हिमांशु भाई के सब्सक्राइबर आए यार यहाँ पे 2 बंदे। भाई बिल्कुल ना सीधे यहाँ पे जहाँ पे हम नहा रहे थे सीधे वहीं पहुँच गए, पता नहीं कैसे चला भाई लोगों को पता कि हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोगों ने पंडित जी से पूजा कराई है, और पूजा करा के ना बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा शांति मिली है। और हम पहाड़ में हमने पाठ पाड़ लो आज। अभी ये कुमाऊनी बोलता है ना, मेरे को समझ नहीं आती है। जो कुमाऊनी भाई कमेंट करो लव फ्रॉम वाइट एग राइडर बोल के, अजू गढ़वाली छिन वो कमेंट करो। तो अभी हम लोग फिर से पार्किंग में आ गए, एंड अभी हम जा रहे हैं माता चंडिका के मंदिर में। यार गाइस, आज ना हम आपको भाई पूरा बागेश्वर का व्यू दिखाने वाले हैं चंडिका से, और पॉसिबल हो सके तो हम ड्रोन शॉट भी लेंगे। तो भाई अभी क्या सीन हो गया ना, यहाँ पे डबल हेलमेट का रूल भी है, और हमें जाना है चंडिका मंदिर, तो डबल हेलमेट पहनना ही था, तो हमने सोचा दोनों गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। तो भाई ये बागेश्वर की छोटी छोटी गलियाँ से होके जाना हमें माँ चंडिका मंदिर, और थोड़ा हाइट पे है, और वहाँ से ना बागेश्वर का व्यू दिखता है बहुत ही प्यारा। तो भाई अभी ना हम उसी रोड पे जा रहे हैं जो इससे प्रीवियस व्लॉग में ना हम रात को बागेश्वर का व्यू देखने गए थे ना, सेम रोड है। रात का व्यू तो भाई बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छी मस्त लाइट दिख रही थी यहाँ से। एंड अभी दिन का व्यू देख लेते हैं कि बागेश्वर दिन में कैसे लगता भाई। तो भाई यहाँ पे है माँ चंडिका मंदिर की पार्किंग, और यहाँ पे बाइक पार करके दर्शन करते हैं। तो भाई अभी हम लोग व्यू पॉइंट पे पहुँच गए हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है बागेश्वर का, और अल्टीमेट लग रहा है भाई, बहुत ही गजब, बहुत ही अल्टीमेट। तो यार बागेश्वर ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, देखो यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से इधर 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 पूरा व्यू है इधर, और हर जगह घर ही घर दिख रहे हैं भाई, पूरे मतलब लगा लो 360 व्यू में पूरा घर ही घर दिख रहा है। ये देखो भाई पूरे चारों तरफ, यहाँ भी पूरा मार्केट है, इस साइड पूरा मार्केट है, एंड इस साइड तो भाई देख ही रहे हो आप लोग कितना तगड़ा मार्केट है। और अभी ऊपर जाते हैं माँ चंडिका मंदिर में। तो यार अभी ना हम 2 मंदिरों को दर्शन करके आ गए, और ना एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पता बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी। तो लगता है यार हमारा ना ओम पर्वत का जो सपना है ना वो पूरा होने वाला है। पॉजिटिव एनर्जी के कपड़े भी लेके नहीं आ रहे हैं, पर वो भाई कुछ नहीं है, देखो दोस्त लोगों से एक जैकेट है, एक स्वेट है, और शर्ट ला रही है बस, बाकी विंटर्स का कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास, क्योंकि रैंडमली प्लान बना। भाई का तो पहले से प्लान था, पर मेरा तो सोचो ना, मेरा तो रैंडमली प्लान बना, मतलब प्लान मतलब ये था कि मुझे बहुत टाइम से मेरा प्लान था जाना है, बट ये नहीं था कि मतलब मैं वहां तक पहुंच, मैं ओम पर्वत जाने के लिए सोच रहा हूं, बट अब जाके पहुंच जाऊंगा मुझे लगता है। मैं देहरादून से आया था ओम पर्वत जाने के लिए, नहीं ना जाने के लिए, कहीं भी निकल लो, हम तो है मुसाफिर, कहीं भी निकल लो। एंड अभी हम आए हैं दूसरे व्यू पॉइंट पे चंडिका देवी मंदिर से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से भी भाई अल्टीमेट व्यू है, तो सिनेमैटिक्स का एंजॉय कीजिए।
तो भाई व्यू भी देख लिया है और मंदिर के दर्शन भी कर लिए और अब चलते हैं मेन बागेश्वर में और भूख लग गई है भाई तो कुछ खा लेंगे। 2000 years later. तो भाई अभी पेट पूजा भी कर लिया हमने, खाए हैं छोले और समोसे और भाई हिमांशु भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी हिमांशु भाई की गाड़ी हमने पीछे पार कर लिया और एक ही बाइक में घूम रहे हैं हम दोनों क्योंकि भाई सिटी सिटी जाना है तो देखते हैं भाई कहाँ ले जाते हैं। तो भाई ये हिमांशु भाई बस ये मार्केट में इधर से उधर उधर से इधर गाड़ी घुमा रहे हैं। अभी इस साइड से पीछे गए थे अभी फिर वापस आ रहे हैं, मेरे को लगा कोई नई लोकेशन पे जाएंगे हम लोग। तो भाई अभी ना हिमांशु भाई ने पूरा का पूरा मार्केट घुमा दिया मुझे और अभी हम जा रहे हैं रूम पे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो भाई अभी मैंने बाइक अभी पार कर लिया पीछे एंड अभी जा रहे हैं रूम पे एंड आज का ब्लॉग है यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि अभी हम कहीं भी नहीं जाएंगे यार क्योंकि थोड़ा सुबह से बस घूम ही रहे हैं चारों तरफ एंड अभी बैठ के एडिटिंग भी करनी है, थोड़ी एडिटिंग अभी करेंगे एंड थोड़ी एडिटिंग रात को खाना खाने के बाद करेंगे। तो अभी इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया बागेश्वर का व्यू अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो कमेंट्स करो एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू एंड टेक केयर बाय बाय।